हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमने ये डोरी ले लिया, लेस ले लिया है, दो छोटे छोटे से लटकन ले लिया है और ब्लाउज हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से कट कर लिए हैं। और ये देखिए, इस ब्लाउज का जितना भी हमारा लेंथ है उसमें हम 1 इंच प्लस करके ले लिया है। तो और इसका फिर शोल्डर हम 6 इंच लिया है, इसका हमने 6 इंच शोल्डर ले लिया, आर्म होल भी 6 इंच, फिर इसका निशान हमने लगा के कट कर लिया है। और ये 36 साइज का ब्लाउज है। ये देखिए, इसका चेस्ट हम 9 इंच पे निशान लगा लिए हैं और 1 इंच 1.5 इंच हमारा मार्जिंग है। तो इस तरह से हमने कपड़ा और लाइनिंग को कट करके अटैच कर लिया है। और अब हम एक कैनवास पे हम इसका नेक ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये देखिए, कैनवास को हम अच्छे से 2 फोल्ड कर लिया है इसको। ये चौड़ा सा ले लिया है हमने, लंबा भी ले लिया है क्योंकि डीप नेक बनाना है। तो 2 फोल्ड करके इसको मैं पेन से इसको सिक्योर कर दूंगी ताकि ये हिले ना। नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच पे लगाऊंगी और इसका डिप में 11 इंच ले ली हूँ क्योंकि आगे से ये पैडेड ब्लाउज है तो पीछे से मैं अच्छे से डिप रखना चाहती हूँ इसको। तो ये अच्छे से डिप है, ये 11 इंच का डिप है। और इसमें ये देखिए, वी शेप का ये मैंने निशान ड्रॉ कर दिया है और इसको मैं कट कर लूँगी और फिर 1 इंच का मार्जिंग रख के ये पट्टी तैयार कर लूँगी। तो ये हमारा कैनवास कट जाएगा। इसको मैं स्क्वायर कपड़े पे रख के अच्छे से प्रेस कर लूँगी, प्रेस से ये चिपक जाता है। फिर उसके ऊपर सिलाई भी लगा लेंगे और कपड़े को फोल्ड करके अच्छे से ऐसे तैयार कर लेंगे, ये देखिए। और इसके ऊपर जो है ये रख के देख लेंगे, हमारा इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, हमारा नेक परफेक्ट होना चाहिए। 2.5 इंच का कट गया तो 5 इंच का हमारा होना चाहिए। और ये देखिए, मेन कपड़े पर भी हमने बीच में हमने कट लगा लिया है ताकि हमारा अच्छे से पता चले। और उस कट को और इस कट को मिलाते हुए इस पे हम नेक की पट्टी को रख लेंगे और पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद इस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी ये लग गई, अब इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा नेक कट जाएगा। ये देखिए, ये कट गया। और तब इसमें हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, इससे हमारी पट्टी बहुत अच्छे से पीछे के साथ उलट जाती है। ये देखिए, सेंटर में भी कट लगा लेंगे, बस हमारा धागा नहीं कटना चाहिए, बस कपड़ा और कैनवास छोटा छोटा सा कट लगाएंगे। सिलाई कट जाएगी तो फिर वो सिलाई निकल जाएगी, तो सावधानी से कट लगाना चाहिए। और इसको फोल्ड करके ऊपर से प्रेस सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर से हमें लेस लगाना है तो मैं इसको मोटी सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए, ने कितना अच्छा से ये बन रहा है फिनिशिंग के साथ। इस तरह से इस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग गई, अब हमें क्या करना है, 2 इंच का पट्टी लेंगे, 2 या 1.5 इंच का भी ले सकते हैं लेकिन मैंने 2 इंच का लिया है। और इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे लूप बनाने के लिए। इसमें मैं लूप लगाऊंगी और इसको किसी भी चीज़ से सीधा कर लेंगे, हमें ढेर सारा लूप बनाना है। तो देखिए, ये सीधा हो गया और 2-2 इंच का हम लूप कट कर लेंगे। दो इंच 1.5 इंच का कट कर सकते हैं, मैंने 2 इंच का कट किया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इतना सारा लूप कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये गले पे 1-1 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरह से दोनों साइड हमारा निशान बराबर होना चाहिए। ये निशान लग गया, अब हम इसमें लूप लगाएंगे ऐसे फोल्ड करके और नीचे के साइड में से रख के सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से
पूरा लूप हम इसमें अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम पूरे गले पे लेस लगा लेंगे। बस हमें जो हमारा वी का जो नोक है नीचे के साइड में, वहाँ पे एक लूप हमें नहीं लगाना है, यहाँ पे लूप नहीं लगाना है, वो छोड़ के फिर दूसरा जो हमने निशान लगाया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे लूप लगाना। ये देखिए बस सेंटर में एक लूप नहीं लगाना है, जो वी का नोक है वहाँ पर लूप हम नहीं लगाएंगे। इसी तरह से बराबर से लूप लगा लेंगे, दोनों साइड हमारा लूप बराबर होना चाहिए। ये देखिए हमारा लूप लग के तैयार हो गया, और कितने आसानी से ये लूप लग गया। अब इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, जो लेस है उसको लगा लेंगे। तो लेस मैंने जो स्लीव है, स्लीव हमारा नेवी ब्लू और गोल्डन कलर का स्लीव है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी है बॉर्डर जो स्लीव का, उसी से मैचिंग का मैंने लेस लिया है। तो ये नेवी ब्लू और गोल्डन का लेस है, इसी तरह से पूरा लेस लगा लेंगे हम। और ये जो डोरी है हमने 3 मीटर लिया है, तो इसको बीच से कट कर देंगे तो 1.5 मीटर का हमारा 2 डोरी हो जाएगा। तो इसको ये देखिए ऊपर से हम 5 में लगा लिए हैं, 5, 6 में लगा सकते हैं, 4 में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 5 में लगाया है। और ऊपर में हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे आगे का, तो वो डोरी जो है रेशम का वो उसमें अच्छे से सिलाई लगा लेंगे ताकि वो निकले ना। इसी तरह इस साइड भी हम 5 लूप में इस तरह घुसा लेंगे। ये देखिए 3 में हो गया, और ये 4, और ये 5 हो गया। और ऊपर का जो है रेशम उसका मुंह जो है हम आगे का जो पार्ट ज्वाइन करेंगे ब्लाउज का, उसके साथ हम अच्छे से उसको ज्वाइन कर देंगे ताकि वो निकले ना। अब हो गया, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको जिगजैग में इसको लगा लेंगे। एक डोरी हम इस साइड डालेंगे, उधर वाली डोरी इस साइड डालेंगे, फिर इधर वाली जो डोरी है उस साइड डालेंगे। इस तरह से हमारा जिगजैग बन जाएगा यहाँ से। ये बहुत ही प्यारा ब्लाउज का डिज़ाइन लगता है फ्रेंड्स, आप बनाएं और साथ में कमेंट भी करें कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। ये देखिए ये जिगजैग करके इसमें हम लगा लेंगे, जब ये पहनेंगे और ऐसे खींचेगा तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और साथ में मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारा जिगजैग डोरी लग गया इसमें, और ये डोरी भी मैंने नेवी ब्लू और गोल्डन का लिया है। ये देखिए इसलिए मैंने बीच में लूप नहीं लगाया था, ताकि डोरी हमारा बांधने में अच्छे से आएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बस ऊपर का जब हम आगे का पार्ट ज्वाइन करेंगे तो ये डोरी को अच्छे से ज्वाइन करेंगे। और देखिए इसमें मैंने लटकन नीचे लगा दिया, और इसको यहाँ पे गांठ बांध देंगे। तो इस तरह से हमारा ये ब्लाउज का डिज़ाइन बनके रेडी हो गया। इसमें मैंने टक्स लगा दिया है, नीचे कमर की पट्टी लगा दी है, उसको तुरपाई कर लेंगे। और ये देखिए ऐसा हमारा ब्लाउज का डिज़ाइन तैयार हो गया। ये देखिए और कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स ब्लाउज का डिज़ाइन आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।